हम सबके अंदर एक डर होता है और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने डर के कारण लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पाते या फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते, जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि डर के बावजूद आप सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे टोनी रॉबिन्स की बुक अनलिमिटेड पावर, जिसमें हम ये सीखेंगे कि एक्सेलेंस कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, एक आदमी था जो सिर्फ 25 साल का था और वो बहुत ही आम जिंदगी जीता था, बिल्कुल मिडिल क्लास वाली। फिर सिर्फ 3 सालों में उसने अपनी लाइफ बदल दी, वो हेल्दी रहने लगा, वो सक्सेसफुल हो गया, उसके पास पैसा था, खुश रहने लगा और वो लोगों को एडवाइस देता था। यानी सिर्फ आम लोगों को नहीं, नेताओं को, डाइटिशियन को, एथलीट्स को या फिर छोटे बच्चों को भी, सबको वो अच्छी एडवाइस देता था। तो इस आदमी की कहानी से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहला, सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होता जब तक आप उसको यूज़ नहीं करते। नॉलेज इज़ पावर, इट इज़ ट्रू, बट जब तक आप उसको अपनी लाइफ में उपयोग नहीं करते तब तक उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर आप कोई रेसिपी सीखते हैं लेकिन अगर आप उसको खाना बनाएंगे ही नहीं तो क्या फ़ायदा, आप खा तो नहीं पाएंगे ना, तो उस नॉलेज का कोई यूज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ जो हमें सीखनी चाहिए वो ये कि सोच को बदल कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि 90% चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में अभी हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, वो हमारे माइंड की वजह से फेस कर रहे हैं। अगर हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव कर लें तो आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी, लेकिन अगर आप अपने थॉट्स में नेगेटिविटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें घुसेड़ेंगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें वैसे ही होंगी। अब चलते हैं लेसन नंबर 2। ज़िंदगी में कभी कभी हमें नेगेटिव इमोशन जैसे कि डिप्रेशन या फिर उदासी में हम फंस जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये इमोशन में भी इमोशन बनाने के लिए एफर्ट लगता है, ये बस हमें पता नहीं चलता क्योंकि ये सब हमारे माइंड जो है वो सबकॉन्शियसली करता है। कुछ लोगों को ये फीलिंग इतनी अच्छी और इतनी कम्फर्टेबल लगती है कि ये उसी में सुकून ढूंढने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आपने देखा होगा ना, जब हम दुखी होते हैं, कोई हार्ट ब्रेक होता है, हमें पता है हम दुखी हैं तो हमें पॉजिटिव मतलब डिचिक डिचिक वाले गाने सुनने चाहिए, लेकिन नहीं, हम सुनते हैं सैड सॉन्ग, अरिजीत सिंह के सॉन्ग, ऐसे सॉन्ग सुनते हैं तो हम उसमें कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, हमें उसमें सुकून आने लगता है। तो आपको अपने मेंटल और फिजिकल एक्शन को बदलना होगा। सबसे पहला काम है, आपके इमोशंस जो हैं आपके हाथ में हैं, ये बात आप मान लीजिए। अगर आप खुश महसूस करना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग में खुश करने वाली चीज़ें सोचिए, वो चीज़ें सोचिए जो आपकी ज़िंदगी में हुए हो, अच्छी चीज़ें जिसमें आपने बहुत कुछ अचीव किया हो, तब इससे क्या होगा, आपको सुकून मिलेगा। या फिर आप अपने बॉडी पोस्चर को या फिर ब्रीदिंग पैटर्न से इंस्टेंटली अपने मूड को बदल सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जब लोग स्ट्रेस में होते हैं या फिर पैनिक करते हैं तो लोग कहते हैं ब्रीद करें, तो आप भी अगर 10 सेकंड के लिए सिर्फ ऐसे करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो आपका स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। सक्सेस का एक फॉर्मूला होता है जो टोनी रॉबिन्स ने दिया है, जो कि सिंपल है। सबसे पहला है, आपको अपना आउटकम यानी अपने गोल्स जो है वो क्लियर रखना है। एक पेपर में क्लियरली लिख दीजिए कि मेरे को ये काम करना है, इतनी डेट तक करना है। दूसरा, आपको एक्शन लेना है। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको लिस्ट बना लीजिए क्या क्या एक्शन मेरे गोल को अचीव करने में मेरी मदद कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको वन बाय वन कोशिश कीजिए ट्राई करने की, ठीक है। तीसरा है, फीडबैक लेना और समझना कि आपसे क्या गलती हुई है, और अगर जो चीज़ आपको अचीव हो गई है उसके लिए क्लैपिंग, जो चीज़ नहीं हुई है उसके लिए आपको सुधारना पड़ेगा, ये एक्शन मैं कैसे और सुधार सकता हूँ। और चौथा है, फ्लेक्सिबल रहना। सक्सेस का पाथ कोई ऐसे ऐसे सीधा सीधा नहीं जाता ऊपर, सक्सेस हमेशा जाती है अप डाउन, फिर थोड़ा अप फिर थोड़ा डाउन, ठीक है। तो इसलिए हमेशा फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। जो चीज़ आपके लिए काम कर रही हैं उन पे फोकस कीजिए, जो चीज़ नहीं कर रही उन्हें साइड आउट कर दीजिए। एक आदमी थे स्टीवन स्पिलबर्ग, जो कि दुनिया के सफल फिल्म मेकर में से एक है। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ये फॉर्मूला अपना लिया था। जब वो सिर्फ 17 साल के थे वो यूनिवर्सल स्टूडियो में गए थे, जहां उन्होंने पहली बार एक शूटिंग देखी और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो फिल्म मेकर बनूंगा। तो उसी दिन से उन्होंने डिसाइड तो कर लिया। फिर वो अगले दिन अपने फादर का ब्रीफकेस लिया, सूट पहना, जिस ब्रीफकेस में सिर्फ एक सैंडविच था, 2 कैंडी बार थे, और वो गए, उन्होंने वहां पे अपने स्टूडियो में गए और अपने ट्रेलर के आगे जो वैन होती है उसके आगे लिख दिया स्टीवन स्पिलबर्ग डायरेक्टर। और तब से वो एडिटर से बातें करने लगे, डायरेक्टर से बातें करने लगे, राइटर से बातें करने लगे और सीखने लगे और ये सोचने लगे कि मैं अपना जो सपना है फिल्म मेकर बनने का उसे कैसे पूरा करूं। और जब वो सिर्फ 20 साल के हुए तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म बना दी।
तो ये सब नतीजा है अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला का, तो आप भी इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने अगले लेसन पे। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा हो, जैसे कि आप कोई टेनिस मैच देख रहे हैं और सारे शॉट आप बिल्कुल सही लगा रहे हो, आप ही जीत रहे हो, या फिर एक मीटिंग जिसमें आप सारे सवालों के जवाब खुद दे रहे हो, और कुछ दिन फिर ऐसे होते हैं जब आपको ये लगता है कि यार सब कुछ गलत ही हो रहा है। तो आपने कभी डिफरेंस नोट किया कि क्या डिफरेंस है? क्योंकि आप वही हो, आपके रिसोर्सेज वही हैं। ये डिफरेंस आता है आपका मेंटल स्टेट का, इसका मतलब जिसे हम कहते हैं न्यूरो साइकोलॉजिकल स्टेट। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो आपको कॉन्फिडेंट बनाते हैं, जैसे कि गुड बॉडी पॉस्चर, और कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग बनाते हैं, सक्सेसफुल महसूस करवाते हैं। इसके अपोजिट में कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो आपको पावरलेस, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेशन महसूस कराते हैं। तो हर इंसान के रिएक्शन उसके स्टेट यानी मेंटल स्टेट का नतीजा होता है कि वो उस वक्त कैसा है। तो कभी कभी हम ऐसे भी होता है कि हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले जाते हैं जहां हमसे गलतियां होती रहती हैं और एक चेन रिएक्शन सा बन जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं। दो चीजें याद रखनी, पहला स्टेट को कंट्रोल करना सीखो। अगर आप ये मानेंगे कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे आप एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल महसूस करते हैं, उन स्टेट को आपको याद रखना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने ब्रेन को इफेक्टिवली रन करना सीख लेंगे, यानी कि जब भी आपको टेंशन में हो, कोई मुश्किल परिस्थिति आपके सामने आती है, अपने माइंड में महसूस कीजिए, सोचिए कि यार इस दिन मैंने ऐसा महसूस किया था, या फिर ये चीज मैंने अचीव की है तो मैं ये भी अचीव कर सकता हूँ। इस प्रोसेस से आपके माइंड में खुशी होगी, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। दूसरी चीज है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का रोल। आपकी स्टेट दो चीजों से बनती है, आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और आपकी फिजियोलॉजी। आप अपने दिमाग में क्या पिक्चर कर रहे हैं और आप अपने आप से क्या कह रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि आप कैसे इंसान बनेंगे और आप अभी कैसा फील कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर लेट आने की वजह से आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप गुस्सा या हर्ट महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि यार कोई इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से वो आदमी लेट आया है, तो आप उसके प्रति कंसर्न रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। तो इससे आपकी इंटरनल स्टेट और इंटरनल सोच जो है वो बदल जाती है। एक फेमस एरियलिस्ट है जिनका नाम है कार्ल बेलेंडा, जो हमेशा हाई वायर स्टंट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। एक दिन उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे ना हमेशा डर लगा रहता है कहीं मैं गिर ना जाऊं, और उनके दिमाग में ये थॉट बार बार आने लगा कि यार मैं गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, और एक दिन वो सच में गिर गए। तो ये नतीजा होता है आपके नेगेटिव थॉट्स का, यानी कि आपके थॉट्स में इतनी पावर होती है कि अगर आप उसको सही डायरेक्शन में ले जाएंगे तो आप ऊपर जाएंगे, और नहीं ले जाएंगे तो आप नीचे जाते हैं, ठीक है। तो हर दिन आप अपने माइंड की चौकीदारी करें, यानी ये सोचें कि मेरे थॉट्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। इसी तरह जब आप अपनी जिंदगी के हर गोल को अचीव कर पाएंगे, और जो आप अब ये सोच रहे हैं कि इम्पॉसिबल है, तब आपको वो भी पॉसिबल लगेगा। अब चलते हैं अपने अगले लेसन पे। थोड़ा सा जान लेते हैं टोनी रॉबिन्स के बारे में, जो कि इस बुक के ऑथर हैं। टोनी रॉबिन्स के जीवन की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। एक समय था जब टोनी बहुत ही स्ट्रगल कर से गुजर रहे थे। उनका जीवन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उनके घर में पैसों की कमी थी, उनके अपने सौतेले बात से बनती नहीं थी, और उनका जीवन थोड़ा इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रगल पर बना हुआ था। वो लाइफ में अकेले रहने लगे थे और डिप्रेशन में रहने लगे थे। उनकी वजह से उसका 30 पाउंड वजन बढ़ गया था और वो बहुत ही बेकार जिंदगी जी रहे थे। लेकिन सिर्फ 3 सालों में ही उन्होंने अपनी जिंदगी को यूं बदल दिया। तो टोनी ने एकदम से नहीं बदला, ये चेंज एक दिन में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने प्रोसेस बनाया। उन्होंने अपने अंदर झांका, अपने दिमाग के साथ सोचा, और ये सोचा कि मैं अपनी सोच को कैसे सही डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ। टोनी ने डिसाइड किया कि वो अपने जीवन में को एक नया दिशा देंगे, एक नई डायरेक्शन देंगे। उन्होंने अपने विचार, अपने बिलीव्स और अपने एक्शन को इस तरह बदला कि वो डिप्रेशन और अनप्रोडक्टिवनेस से दूर हटके एक प्रोडक्टिव इंसान बने। और आज टोनी रॉबिन्स बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है, और वो वन ऑफ द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर में से एक है। तो टोनी रॉबिन्स का मानना है कि हर इंसान के पास जीवन को बदलने की शक्ति होती है। ये सब कुछ माइंडसेट पर डिपेंड करता है। उनका ये मानना है कि जिंदगी में हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं या नहीं करते। जो भी हम नहीं करते या जो अचीव कर सकते हैं, वो उसका कारण होता है हमारा माइंडसेट। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारे विचार और हमारे बिलीव्स ही हमारे एक्शन को डिसाइड करते हैं, हमारे एक्शन ही हमारे रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। इसलिए अपने विचार सही रखो ताकि आपके एक्शन सुधरे। तो इसी यही प्रिंसिपल टोनी रॉबिन्स की ये किताब अनलिमिटेड पावर आपको बताती है। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप पे, जो की है सीक्रेट टू अनलिमिटेड पावर।
अनलिमिटेड पावर को अपनी जिंदगी में यूज करने के लिए सिंपल से कुछ स्टेप है। सबसे पहला है अपना बिलीफ सिस्टम। टोनी रॉबिन कहते हैं कि हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे जीने के तरीके को डिफाइन करता है। जैसे एक हाथी, बचपन से उसे एक खूंटे में बांध दिया जाता है और हाथी उसे तोड़ने की खूब कोशिश करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और खींचा मजबूत जो खूंटी होता है वो मजबूत होता है। और हाथी के माइंड में ये बात बैठ जाती है कि मैं उसे कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। इसलिए जब हाथी बड़ा भी हो जाता है वो उस खूंटे से बहुत ताकतवर होता है लेकिन फिर भी वो उसे नहीं तोड़ पाता। अगर हमारे बिलीव्स जो हैं हमें एम्पावर करते हैं तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव, हैप्पी और सक्सेसफुल हो सकते हैं। और लेकिन अगर हमारे बिलीव जो है हमें लिमिट करेंगे तो हमारे जो पोटेंशियल है वो हमेशा दबा रह जाएगा। दूसरा है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP एक टेक्निक है जो आपके दिमाग के पैटर्न को समझने और उन्हें बदलने में मदद करता है। ये एक प्रक्रिया है जो आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करने की मदद करता है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। कुछ ट्रेडर हैं जो ऐसा NLP का यूज करते हैं जिससे वो मार्केट को बेटर एनालाइज कर पाए। तीसरा है मॉडलिंग सक्सेस। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको उन लोगों को कॉपी करना चाहिए जो पहले से ही सक्सेसफुल हैं, ठीक है, और आपको उनका अनुकरण नहीं करना, आपको अनुसरण करना, यानी कि उनको कॉपी नहीं करना लेकिन उनके पाथ को फॉलो करना है। चौथा स्टेप है फिजियोलॉजी और माइंड बॉडी कनेक्शन। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारा जो शरीर है और हमारा दिमाग है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं और हेल्दी हैं और तो आप मेंटली भी ज़्यादा फोकस और एनर्जेटिक फील करेंगे। इसलिए टोनी हमेशा हर सेमिनार में अपने फिटनेस और हेल्थ पर बहुत ही ध्यान देते हैं। पांचवा है पीक स्टेट। ये एक वो स्टेट होती है जब आपको लगता है कि आप तो सब कुछ कर सकते हैं, जब आपको ये लगता है कि यार मेरी जो चीज़ है, जो पावर है वो मिल चुकी है, ठीक है। ये वही स्टेट है जब आप अपने सभी पोटेंशियल को अनलॉक कर चुके होते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा टोनी रॉबिन्स की बुक अनलिमिटेड पावर, जिसे हमने सीखा। समरी के तौर पर मैं बता देता हूँ, हमने इसमें से कुछ 10 चीजें सीखी। सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम, जो भी उसमें लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम यानी कि जो आपको अपने पोटेंशियल ग्रो करने से लिमिट कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करें। दूसरा है उसको बिलीफ को चैलेंज करें, चेंज करने की कोशिश करें। तीसरा है उसकी जगह आपको एम्पावरिंग बिलीफ डालने हैं। चौथा है आपको अचीवेबल और क्लियर गोल लिखने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर गोल और अचीवेबल गोल पेपर में लिखे होने चाहिए। पांचवा है मैसिव एक्शन लेना है, क्योंकि बिना मैसिव एक्शन के आप ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। चौथा है सिक्स्थ है मॉनिटर योर प्रोग्रेस और एडजस्ट योर अप्रोच, उसको मॉनिटर करते रहना है। सातवा है ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी को डेली ही प्रैक्टिस करना है। ग्रेटिट्यूड यानी कि हे ईश्वर थैंक यू आपने हमें ये खाना दिया, थैंक यू हमें ये हेल्थ दी, ये सब आपको मानना है, कहना है और शीशे के सामने हमेशा अपने लिए पॉजिटिव चीजें ही कहनी है। आठवीं चीज अपने हेल्थ का और अपने मेंटल बीइंग का ध्यान रखना है। नौवीं चीज अपने हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग की तरफ बढ़ते रहना है। और दसवां और आखिरी है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बढ़ाने हैं लोगों के साथ। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये समरी? अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लग रही है और ये नॉलेजफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज को जरूर बताइएगा और शेयर कीजिए ताकि आप हमें सपोर्ट कर सकें। थैंक यू।